हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी ट्यूटर। माई सेल्फ नरेंद्र। आज हम आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूनिट फर्स्ट पढ़ाएंगे। ये फोर्स सिस्टम एंड मोमेंट ऑफ फोर्स एंड पहले फोर्स सिस्टम है, जिसमें से लेक्चर 11 की डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल में भी हमने एक बताया था जिसमें से सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई एंड रिजल्टेंट फाइंड आउट करना था। तो इस न्यूमेरिकल में आप ध्यान से देखिए, डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ फोर फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली टू ए सर्किल। एक सर्किल दिया हुआ है जिसका रेडियस 30 मीटर है, इस प्रकार फिगर में शो है, जिसमें से 50 किलो न्यूटन एंड 80 किलो न्यूटन का लोड वर्टिकल है, 150 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा हुआ है, और इसके सर्कमफेरेंस यानी कि परिधि से 45 डिग्री एंगल के साथ हमारा ये लगा हुआ है। ठीक है, एंड 100 न्यूटन का फोर्स। तो सबसे पहले हमने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि फोर्स को पहले बैलेंस करते हैं। फोर्स बैलेंस इन द सेंस कि सभी फोर्स या तो एक्स डायरेक्शन में हो या वाई डायरेक्शन में हो। तो फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये हमारा फोर्स जो 100 न्यूटन का फोर्स है, ये दो डायरेक्शन में इसको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, दो डायरेक्शन में क्या होगा, एक होगा 100 cos 45 एंड नेक्स्ट वन 100 sin 45। अब ध्यान से देख रहे हैं तो हमारा फोर्स ये सभी बैलेंस हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन डिटरमाइन करेंगे। इसमें देखिए, फॉर दिस कोप्लैनर एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्स, तो अल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, दैट मींस 150 माइनस 100 cos 45। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप ध्यान से देखिए, 150 एंड 100 cos 45 दो टाइप के फोर्स हैं, और इसको आप इजिली कैलकुलेटर के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। अगेन हमारा सिग्मा एफ वाई है, अल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन, दैट मींस हमारे पास वाई डायरेक्शन में 50, 80 एंड 100 sin 45 है। तो हमने कैलकुलेट किया माइनस 100.71 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट वन हम कैलकुलेट करते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट इक्वल टू होता अंडर रूट, ये फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे और इजिली 122.8 न्यूटन का हमारा रिजल्टेंट फाइंड आउट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या है, लेट अल्फा बी द एंगल विच रिजल्टेंट मेक्स द हॉरिजॉन्टल। हमारा वैल्यू दिया है, देखिए अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स, ये सेम फार्मूला हम लास्ट लेक्चर में भी बताए थे। वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा का वैल्यू हमें मिल गया 51.8 डिग्री। सिंस हमारा क्या, बोथ डायरेक्शन पॉजिटिव द रिजल्टेंट लाई, यानी कि रिजल्टेंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये हमारा हो गया, यानी कि दैट मीन्स 57 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। इस प्रकार आप देख सकते हो कि इसको कितने इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डिस्कशन या क्यूरी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम्स है। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।